कालका विधानसभा क्षेत्र से विधायक प्रदीप चौधरी रविवार को कालका के गीता भवन में विवेकानंद मानव सेवा सोसाइटी द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में पहुंचे और उन्होंने इस दौरान रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाया और बातचीत करते हुए बताया कि रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं होता। हर स्वस्थ व्यक्ति को चाहिए कि वो समय समय पर रक्तदान करते रहे, क्योंकि आपके द्वारा दिया गया रक्त किसी भी अस्वस्थ व्यक्ति की जान बचा सकता है और कई बार जरूरतमंद लोगों को रक्त के लिए बड़ी परेशानी झेलनी पड़ती है। विधायक ने रक्तदान शिविरों का आयोजन करने वाली संस्थाओं की भी सराहना करते हुए कहा कि जिस प्रकार से रक्तदान शिविर आयोजित होते हैं और सभी लोगों को अपने नजदीक रक्तदान करने का मौका मिल जाता है, वो वाकई में ही सराहना योग्य है। इस मौके पर करीब 116 लोगों ने रक्तदान किया और आयोजकों में विधायक प्रदीप चौधरी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस मौके पर आयोजकों में रामनाथ शर्मा, पीयूष पुंज, नरेंद्र गुप्ता, डॉक्टर अजय वर्मा, एडवोकेट मुकेश सोडी, अजय सिंगला, एसपी अरोड़ा, रामकरण, हिमांशु खोसला, शेरचंद चावला, सुनील कुमार, अजय सिंगला, रोहित इत्यादि मौजूद रहे। हाँ जी, मानव सोसाइटी तरफ से ब्लड डोनेट कैंप लगाया गया, इसके बारे में आपने क्या कहा? विवेकानंद मानव सेवा सोसाइटी द्वारा जो एक लंबे अरसे से मानव सेवा में, मानव कल्याण में लगी हुई, आज 17वां जो ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ लगाया गया, उसके लिए मैं सोसाइटी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि यह सोसाइटी धर्म कर्म में, मानव सेवा में त्याग बलिदान की भावना जिस तरह लगातार सक्रिय होकर तत्पर हैं, ये हमारे इलाके के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। बहुत सी संस्थाएं ऐसे कार्य, सामाजिक कार्य में लगी हुई हैं, लेकिन विवेकानंद मानव सेवा सोसाइटी जो एक ऐसे नाम पर गौरव पा रही है जिन्होंने मानव से सोसाइटी ने विवेकानंद जी के नाम पर, जिन्होंने देश के और भारतीय संस्कृति को शिकागो तक समेत पूरे विश्व में झंडे फहराने का जिन्होंने काम किया, और उनके जो उपदेश हमें प्रेरणा देते हैं, उनके वचन जो हमें प्रेरणा देते हैं कि जोखिम उठाते हुए कभी भयभीत ना हो, और उनका यह वचन भी एक बहुत अच्छा है कि तो ये ना सोच कि मैं यह काम नहीं कर सकता, तो हर काम कर सकता है क्योंकि तुम अनंत हो, ऐसे बहुत से उनके उपदेश वचन हमारे लिए प्रेरणा है। आज जो रक्तदान शिविर यहाँ लगाया गया, इसके लिए मैं रक्तदाताओं करण वीरों का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जो जरूरतमंद रोगियों के जीवन दान के लिए अपना रक्तदान देते हैं, क्योंकि रक्तदान कन्यादान के बाद एक बहुत बड़ा महादान माना गया है, क्योंकि दानी वही होता है जिसे यह नहीं पता होता कि मेरा दिया गया दान किसको, किस रोगी को जाएगा, रोगी को नहीं पता होता मेरा दान ये किसने दिया है, क्योंकि भगवान ईश्वर अल्लाह उसी को पता होता है और उसी ने फल देना होता है। निश्चित रूप से ऐसे रक्तदाताओं को भगवान जरूर फल देगा, इनके लिए मैं उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। और आज जो पूरा देश, विश्व पूरा एक कोरोना वायरस से आज पूरी तरह हमारी देश की, हमारे समाज की जीवन पद्धति को झकझोर कर जो रख दिया है, उससे हमें हताश होने की, निराश होने की आवश्यकता नहीं, मात्र जो आज हम सभी जानते हैं, सोशल डिस्टेंस की बात हो, शारीरिक फासले की बात हो, मुंह नाक ढकने की बात हो, हाथ धोने की, ये आते हमें निरंतर आगने वाले लंबे अरसे तक डालनी पड़ेंगी, और कोई इस मुकाबले में भी ना रहे कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता, यह बीमारी ऐसी है इसके लंबे समय तक हमें इसे लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मैं उन तमाम कोरोना फाइटर्स को जो हमारे जीवन की रक्षा करने में लगे हुए हैं, उनको मैं तहे दिल से सैल्यूट करता हूं। और आज इस रक्तदाता शिविर में जो रक्तदान करने के लिए रक्तदाता करणवीर आए हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और मुझे यहां आने का जो अवसर मिला, हमारे मुकेश सोडी जी जो आपकी इस विवेकानंद मानव सेवा सोसाइटी के प्रवक्ता भी हैं, इनके माध्यम से मुझे आज इस सोसाइटी के सभी साथियों से मिलने का अवसर मिला, इसके लिए मैं इनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार जी। मैं विवेकानंद मानव सेवा सोसाइटी कालका पिंजौर का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। ये हमारी सोसाइटी
1975 में श्री आर एन शर्मा जी जो इसके फाउंडर कम चेयरमैन हैं उन्होंने शुरू की थी। उस समय हमारे आर एन शर्मा जी 25 पैसा पर मंथ डोनेशन दुकानदारों से लेकर काम चलाया करते थे। आज ये सोसाइटी के 200 से ऊपर सदस्य हैं और मंथली इसकी मेंबरशिप कोई 100 रुपये, कोई 200, कोई 1000 रुपये पर महीने के हिसाब से देते हैं। उस जनता के पैसे से ये सोसाइटी सारा कार्यक्रम चलाती है। हमारी सोसाइटी साल में कई कार्यक्रम करती है, जैसे हमारा मेन ब्लड डोनेशन कैंप रहा है, हर साल के अप्रैल महीने में लगाते रहे हैं और हर साल 100 से ऊपर ब्लड डोनेट करने हमारे यहाँ आते हैं। फिर हम फ्री हेल्थ चेकअप कैंप लगाते हैं, फ्री मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बच्चों को कीड़े मार दवाई पिलाते हैं, सर्दी के अंदर जूते जुराबे गरीब स्टूडेंट्स को जाकर स्कूलों में देते हैं और कंबल बांटते हैं सर्दी के अंदर। ऐसे कई सामाजिक कार्य हैं। अभी कोरोना महामारी के अंदर हमारी सोसाइटी ने मास्क बांटे, सबसे पहले कालका पिंजौर में फ्री ऑफ सभी स्वीपर्स को कालका पिंजौर के मास्क बांटे गए, सैनिटाइजर बांटे गए। हमने काफ़ी झुग्गी झोपड़ियों में गरीब आदमियों को राशन किट भी बांटी। ये सब विवेकानंद सोसाइटी की तरफ से दिए जाते हैं। हमारी सोसाइटी में डॉक्टर अजय वर्मा जी जनरल सेक्रेटरी हैं, नरेंद्र गुप्ता जी प्रेसिडेंट हैं, शेरचंद चावला जी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो परमजीत शर्मा जी उप प्रधान हैं। सभी की सहायता से ये सारी सोसाइटी चलती है और बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। आज हमने जो ब्लड डोनेशन कैंप 17 मई को लगाया है, ये पहले 12 अप्रैल को लगाना था। आज के हमारे मुख्य अतिथि प्रदीप चौधरी MLA कालका थे, वो यहाँ पर विजिट करके गए, उन्हें हमारा कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा और वो अपने बेटे को अमन चौधरी को हमारी विवेकानंद सोसाइटी का सदस्य बना गए हैं और वो हर महीने अपना प्रिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया करेंगे और हर कार्य में हमारा सहयोग किया करेंगे।